शिल्पा शेट्टी, ये वो नाम है जो अक्सर विवादों में रहता ही है। कभी शिल्पा खुद विवादों में फंसती हैं, तो कभी इनके परिवार का कोई सदस्य फंस जाता है, कभी बेटिंग का पंगा तो कभी किसिंग का किस्सा। शिल्पा कॉन्ट्रोवर्सीज की वजह से लाइम लाइट में आ ही जाती है, लेकिन इस बार शिल्पा का नाम विवाद की वजह से नहीं बल्कि एक सालों पुराने विवाद से बरी होने पर सामने आ रहा है। क्या आपको याद है साल 2007 का शिल्पा शेट्टी का वो किसिंग कांड? क्या आपको याद है कि कैसे खुलेआम अभद्रता फैलाने का इल्जाम लग गया था शिल्पा पर? क्या आपको याद है किसने किया था खुलेआम शिल्पा शेट्टी को भरे समाज में किस, और वो किस एक बार नहीं बार बार हुई थी। साल 2007, ये वही साल है जब शिल्पा शेट्टी ने जीता था बिग ब्रदर का खिताब। और फिर क्या था उसके बाद? शिल्पा शेट्टी के पास ना तो पैसे की कमी थी और ना ही काम की कमी। फिर उसी साल हुआ किसिंग कांड। साल 2007 में राजस्थान में शिल्पा शेट्टी एक इवेंट का हिस्सा बनी थी, जहां हॉलीवुड स्टार रिचर्ड गियर भी शामिल हुए थे। इवेंट में रिचर्ड ने शिल्पा को पब्लिकली किस कर दिया था, जिसके बाद एक्ट्रेस पर केस दर्ज कराया गया था। इसके बाद शिल्पा पर सार्वजनिक जगहों पर अश्लीलता फैलाने के आरोप में केस दर्ज कराया गया था। अब 15 साल बाद अदालत ने इस मामले पर फैसला सुनाया है। शिल्पा को इस केस में कोर्ट ने माफी देते हुए उन्हें अभद्रता और अश्लीलता फैलाने जैसे अपराधों से मुक्त कर दिया है। देखें 15 साल पुरानी इस वीडियो में कि किस तरह रिचर्ड एक बार नहीं कई बार शिल्पा को किस करते हैं, और शिल्पा उस वक्त कुछ रिएक्शन भी नहीं दे पाती हैं। इसी वजह से शिल्पा पर अभद्रता के आरोप लगते हैं कि आखिर शिल्पा ने उन्हें रोका क्यों नहीं। इस पर शिल्पा ने अपने आवेदन में कहा था कि क्योंकि मैंने रिचर्ड द्वारा किए गए किस का विरोध नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी साजिश या अपराध की भागीदारी हूँ। इन सब के बाद हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि एक अदालत ने तो शिल्पा के खिलाफ गिरफ्तारी का भी वारंट जारी कर दिया। ये कोई इकलौता किस कांड नहीं था। साल 2009 में शिल्पा शेट्टी उड़ीसा के साक्षी गोपाल मंदिर पहुंची थी। यहां एक पुजारी ने उन्हें गाल पर किस कर लिया था। इस घटना ने भी उस वक्त काफी तूल पकड़ा था। खैर, ये शिल्पा शेट्टी हैं और इनका नाम तो कंट्रोवर्सी से जुड़ता ही रहता है। और शिल्पा शेट्टी बहुत ही खूबसूरती से इन सभी जो भी कारनामे होते हैं या फिर जो भी कंट्रोवर्सीज होती हैं उससे बाहर आ ही जाती हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो इन दोनों एक्ट्रेस इंडियाज गॉट टैलेंट में नजर आ रही हैं। आई एन एस रिपोर्ट।